क्लास 10th. आई एम सीमा मैम एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड लेसन इन ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. फॉरेस्ट मतलब हमारे वन, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं. वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स ही आएंगे. ठीक है, तो अब ये जो हमारा प्लैनेट है, वी शेयर दिस प्लैनेट विद मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स. मतलब ये जो प्लैनेट है, धरती है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स तो रहते ही हैं, साथ साथ बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, लिचिंस, टू बैनियन ट्रीज, एलिफेंट्स एंड ब्लू व्हेल्स, है ना. एंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी. तो हमारे यहाँ ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है. मतलब जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और जो एनिमल्स हैं उनमें भी बहुत तरह तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ. मतलब जो भी एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, इन इस एनवायरनमेंट में जो पेड़ पौधे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को, वायु को शुद्ध करते हैं, और वही हम ब्रीथ करते हैं. वाटर वी थिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड, विदाउट मच विदाउट विच वी कैन नॉट लिव. तो फिर ये पेड़ पौधे ही हैं जो जो खाना प्रोड्यूस करते हैं. सॉइल में ये पेड़ पौधे उगते हैं. फिर जो वाटर है, ये धरती के अंदर से हमें मिलता है या द रिवर्स, है ना. फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम. तो इससे सबसे हमें पता लगता है कि फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट, हमारे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए, और ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही मेजर हिस्सा है, है ना. बिकॉज प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड. बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ. अब देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया गया है. इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ सभी हैं इस दुनिया में तरह तरह के, और सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. फ्लोरा एंड फौना, व्हाट डू मीन बाय फ्लोरा. फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे एंड फौना मतलब वाइल्ड लाइफ. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया. तो इन योर एरिया, इसका मतलब जब हम आसपास देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बहुत से पेड़ पौधे, बिल्कुल अनोखा कोई पेड़ पौधा निकला है, या एनिमल या चिड़िया आपने देखी जो बहुत डिफरेंट देखी. इनफैक्ट इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ वास्ट अरे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और बहुत से तो हमने स्पीशीज डिस्कवर कर लिए हैं, पर अभी भी बहुत से डिस्कवर होने बचे हैं. रीड द होल लेसन वेरी नाइसली. आई एम नॉट रीडिंग ईच एंड एवरी लाइन, ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. डू यू नो, ये जो एक आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, सब कुछ पढ़ना है. रीड ईच एंड एवरी थिंग. तो इस दुनिया में जो चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका इंसिग्निस, ये सभी क्या हैं, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब ख़त्म होने की बिल्कुल कगार पे हैं, पर अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, एंड बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनको ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं. जैसे डिस्टर्ब हो जाता है एनवायरनमेंट, है ना, पोल्यूशन की वजह से, या बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई होने लगती है, है ना. देन इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीशीज़ मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट. और आप ये बिल्कुल
ठीक ठीक नहीं कह सकते कितनी स्पीशीज़ अब तक हम लॉस्ट हो गई हैं इस दुनिया से। फिर देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी हेडिंग दिखाई दे रही है, वैनिशिंग फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट को की कटाई बहुत तेज़ी से चल रही है और जिसकी वजह से हमारे बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, है ना। बट कंजर्वेशन मेजर्स आर टेकिंग प्लेस और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है, इसीलिए हम लोगों के क्लासेस में भी बच्चों को छोटे क्लासेस से यू आर कंटिन्यूसली टॉट अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड वेज टू कंजर्व द एनवायरमेंट, वेज टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब हम लोग बड़ी बड़ी हेडिंग्स देखते हैं, व्हाट आर नॉर्मल स्पीशीज, है ना। नॉर्मल स्पीशीज़ वो हैं जिनकी जो पॉपुलेशन है वो अभी नॉर्मल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स एट्सेट्रा। एंडेंजर स्पीशीज़ जो ख़तरे में हैं, ठीक है, जो डेंजर है जिनका एक्सटिंक्शन का, ठीक है। एग्ज़ाम्पल ब्लैक बग, काला हिरन जिसको कहते हैं, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन, लायन टेल्ड मैस, मकाओ, लायन टेल्ड मकाओ एंड संगाई एक तरह का डियर है। वल्नरेबल स्पीशीज़, वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कुछ डिक्लाइन हो चुकी है, डिक्लाइन मतलब कम हो चुकी है ना, और अब एंडेंजर स्पीशीज़ में आने ही वाले हैं नियर फ्यूचर में, है ना। अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऑपरेट करते रहे तो जल्दी ही वो एंडेंजर स्पीशीज़ हो जाएंगी, जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक लायन, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन एट्सेट्रा। देन रेयर स्पीशीज़, जो बहुत कम पाई जाती है स्पीशीज़, ठीक है, स्पीशीज़ विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू एंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी इफ़ नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एट्सेट्रा। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ आर स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हेडिंग्स आई हैव टोल्ड यू इनकी, इनको बहुत अच्छे से समझ लो कि ये क्या है, एंड लर्न एटलीस्ट 3-4 एग्जांपल्स, ठीक है। एंड एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, एक समय थी, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दी स्पीशीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे में अकर, अ स्पीशीज़ में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और एंटायर अर्थ। एग्जाम्पल है एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। नेक्स्ट, जो भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, स्टडी देम वेरी नाइसली। एंड वॉट एवर इज इन द बॉक्सेस। तो अब नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन, है ना। तो अगर हम इधर उधर देखें तो उनकी हंटिंग, है ना, या अगर पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं तो उनकी कटिंग, है ना, तो डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। एक तो ये डिप्लीशन ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। डैमेज, ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग कॉलोनियल, जब कॉलोनियल पीरियड, जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो इन्होंने फॉरेस्ट की बहुत बेनतहा कटिंग की। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़, इसकी वजह से। तो उस समय बहुत ज़्यादा कटाई हुआ, फॉरेस्ट एरिया हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया। देन शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से भी, जैसे झूम कल्टिवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसकी वजह से भी हमारा फॉरेस्ट एरिया काफ़ी कम हुआ, ठीक है। देन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट
की एक और बहुत बड़ी वजह है, जैसे हम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स वगैरह जो बनाते हैं, तो डैम्स बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया क्लियर करना पड़ता है, चाहे हमको गाँव को हटाना पड़े, चाहे हमको फॉरेस्ट को हटाना पड़े, और बहुत बड़ा बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इसमें 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है उसने ले लिया। माइनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, एक तो बड़े बड़े रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक, दूसरा हो गया माइनिंग, ठीक है। फिर द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग, एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया। इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट। मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट होल्ड द व्यूज दैट ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट का कारण क्या है? ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। बहुत से एनवायरमेंटलिस्ट और फॉरेस्टर्स ये भी कहते हैं। तो वैसे फ्यूल फॉडर कलेक्शन में तो ज़्यादा करके जो फेलिंग ऑफ ट्रीज होती है, ये जो होती है पेड़ों की, उसमें से लकड़ियाँ वकड़ियाँ गिरती हैं, वही इन लोग बटोर के ले जाते हैं। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट मीट द डिमांड्स ऑफ रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। These protected areas thus mean different things to different people and therein lie the fertile ground for conflicts. अब देखो एक और example इन्होंने यहाँ नीचे दिया हुआ है, Himalayan yew in trouble. Himalayan yew एक पौधा है, एक medicinal plant है, जो कि अब endangered हो गया है। क्यों? क्योंकि इससे anti-cancer drug बनती है। A chemical compound called taxol is extracted from the bark, needles, twigs and roots of this tree. है ना, it has been successfully used to treat some cancers. तो इसलिए इसकी बहुत तेजी से कटाई हो रही है। Then next page, habitat destruction. तो देखो यहाँ पे बहुत थोड़े से में इन्होंने बहुत से पॉइंट्स दे दिए कि हमारे फॉरेस्ट या डिक्लाइन इन इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी के बहुत से कारण क्या है। देखो, वन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, टू हंटिंग, थर्ड पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स, है ना। तो ये अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो यू कैन राइट दिस। अदर इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर अनइक्वल एक्सेस an inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Overpopulation, है ना, देखो environmental destruction, फिर देखो overpopulation, ठीक है, overpopulation की वजह से भाई जितनी ज़्यादा population होगी environmental degradation उतना ही ज़्यादा होगा। Then another important part, destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. है ना, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है। बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज एंड एम्पावरेज्ड मेनी इंडिजिनस एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़। तो बहुत सी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ भी इसकी वजह से कम होती चली गई हैं, है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एट्सेट्रा। इसमें सबसे ज़्यादा पुअर और वुमेन अफेक्ट हुई हैं। देन इन मैनी सोसाइटीज़ वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल, फॉडर, वाटर, अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स। ऑल दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड। जब रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो जो कष्ट है वुमेन का वो बढ़ता जा रहा है। दे हैव टू वॉक किलोमीटर्स, मतलब 10-10 किलोमीटर तक रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। इससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वुमेन को, नेग्लिजेंस ऑफ होम हो रहा है एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द इंक्रीज आवर्स ऑफ देयर वर्क। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो रहा है ऑफ डिग्रेडेशन? ड्रॉट आ रहा है, पानी सूखता जा रहा है ज़मीन धरती का, और
डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो फ्लड्स आ रहे हैं, है ना, और जो भी कैलामिटी होती है वो पुअर को सबसे हार्डेस्ट हिट करती है. पॉवर्टी इन दीज केसेस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. देयरफॉर सीधा सीधी बात है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट, और बहुत ज़रूरी है इनका कंजर्वेशन. थैंक यू चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी बिग टॉपिक टुडे. थैंक यू फॉर टुडे. नेक्स्ट वी विल टेक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया.